शायर। प्लीज वेलकम लेजेंडरी सिंगर मिस्टर शैलेंद्र सिंह, पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा जी, मिस्टर सुदेश भोसले साहब। मैंने तुझको मुझको आशिकी आ गई। थैंक यू। अच्छा सुदेश सर, आपका जुम्मा चुम्मा गाना इतना बड़ा हिट हो गया सर, लाइव शो कहाँ कहाँ किया आपने? मैं अजूबा फिल्म के लिए गाने गया था, लक्ष्मी जी ने मुझे बुलाया तो बोले शशि जी ये जो लड़का है ये अमित जी की साउंड बहुत अच्छी बनाता। अच्छा। तो शशि बोले सुनाइए। और वो गाना मोहम्मद अजीज साहब और मेरा रिकॉर्ड हुआ। अभी मुन्ना साहब की आवाज। अरे तजुब है तूने प्यार नहीं किया, नहीं तूने दिल नहीं दिया, अरे नहीं दिया ना। मेरी एक आदत है, अगर मैं 3-4 दिन इनके साथ सफर करूँ ना तो मेरी आवाज अपने आप बदल जाती है। शब्बीर कुमार बहुत फेमस हुए थे ना, तो बंगाल में 6 दिन शो किए और फिर मैं जब पूना में पहला शो था तो पहले पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दिया आवाज दिलों में आ गया। एक बार मेरा ही गाना गवाना था अमित जी को, रिकॉर्डिंग थी मेरी आवाज में अमित जी की फिल्म के लिए, और गोरेगांव में जो सहारा स्टूडियो है उसमें करने, अमित जी को बस उतने ही 2 घंटे थे। तो किसी ने प्रोडक्शन में से कहा कि सर वो कल वाला जो स्टूडियो है वो सपना मुखर्जी के पास है बुकिंग उसकी, अगर आप फोन करेंगे तो सपना जी दे देंगी वरना मुश्किल है। तो सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सुदेश मजाक मत करो। सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सुदेश मैं फोन रख दूंगी। सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सर सचमुच आप हैं? नहीं मैं सुदेश भोसले बोल रहा हूँ। मिठुंदा बहुत चैरिटी वगैरह करते बंगाल में, तो सपना मुखर्जी मोहम्मद अजीज और मैं हमको ले जाना चाहते थे बच्चों की स्कूल में एक चैरिटी शो के लिए। अभी उनका फोन करना कब होगा, रात के 2 बजे, तो उन्होंने मोहम्मद अजीज को फोन किया। हेलो। बोले हेलो मुन्ना दा, हमें मिठुंदा। सुदेश भाई क्यों मजाक कर रहे हो? अरे क्या सुदेश भोसले, अरे मैं मिठुंदा बोल चुके। सुदेश भाई 2:30 बजे नींद नहीं आ रही क्या? अरे क्या यार सर। वो कन्विंस हो गए कैसे से, कट्टू सपना जी को फोन किया, सपना हम मिठुंदा। सुदेश टाइम तो देखो। आपने सरानी साहब के साथ बड़े शोज किए ना सर? बहुत बहुत शोज किए। असरानी जी को मैं स्टेज पे बुलाता था। अच्छा। आ रहे हैं आपके सामने अंग्रेजों के जमाने के जय।